अगर हम निकल जाते हैं तो गाइस आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। पूरा डाल दिया ऐसा लग रहा है, इतना ज्यादा इधर से पानी निकल रहा है। यहाँ से निकाली साहब अभी ज्यादा नहीं, कोई 5 किलोमीटर दूर है। ये सामने आप ज़्यादा देख लो है ना, तो ब्लॉग्स को पूरा देखना, वॉच पूरा करना। अगर किसी ने स्किप भी किया ना तो भाई वो मजे नहीं कर पाएगा। तो मेरे साथ अभी जो हो रहा है आप फील नहीं कर सकते, वो मैं ही फील कर सकता हूँ। एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो कैसी है मेरी फैमिली? सबसे पहले तो मैं अपनी फैमिली को एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग बोलना चाहूंगा। सुबह का ऐसा सीन था कि यहाँ पे बज चुके थे 10, यहाँ पे ना बारिश लगी हुई है, बहुत ज्यादा बारिश लगी हुई है, पर यहाँ पे ना बारिश बिल्कुल रुकती नहीं है। 10 मिनट तक आती है फिर से मतलब तूफानी बारिश होती है। तो ये देख लो हमने पूरा बैग अपना पैक कर लिया है, तो हमारे पास रेनकोट भी हमने पैक कर दिए थे। पहले जाएंगे हम नगाली साहब, फिर देन उसके बाद एक जगह और थी वहां, तो दरगाह वाली साइड जाएंगे, और उसके बाद देन हम जाएंगे बुड्ढा अमरनाथ। आज हमने 3 जगह कवर करनी थी, पर अगर ये बारिश रुकती है तो करेंगे, नई बारिश रुकती है तब भी, अगर थोड़ी रुकेगी तो निकलते हैं यहाँ से। अगर हम निकल जाते हैं तो गाइज आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि जिधर आज जा रहे हैं ना हम, बस आप सिर्फ ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग को पूरा एंड तक देखना, एक भी चीज को स्किप मत करना। आज के ब्लॉग में बहुत ज्यादा मजा आने वाला। बारिश तो रुकी नहीं है पर फिर भी आपका भाई ना छाता लेके आया। अब हम जाएंगे छाता लेके, क्योंकि यार आए हैं इतनी दूर तो इधर थोड़ी बैठ सकते हैं हम, है ना। तो आज आपको बारिश में ब्लॉग दिखने वाला और छाता लेके जाएंगे। ये हम रेनकोट लगा ही लेते हैं, तो देख सकते हैं यार मैंने रेनकोट पूरा डाल दिया, ऐसा लग रहा है कहीं टेस्ट कराने जा रहा हूँ कोविड का। ये वाला रेनकोट कावल लगा लेता है, फिर हम निकलते हैं यहाँ से जल्दी से जल्दी। अभी टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया हुआ है, तो फिर भी यार देख लो बारिश का वेट कर रहे थे हम कि अगर रुकती है तो ठीक है, पर बारिश रुकी नहीं है। रेनकोट कावल ने भी लगा लिया था, अभी हमने सामान पूरा पैक कर दिया, तो देख सकते हो छाता हमने लगा दिया। अगर बारिश तो लगी हुई है वैसे भी, अभी भी थोड़ी थोड़ी, अभी चेक करेंगे, अगर बारिश हमें ज्यादा लगी तो फिर हम छाता निकाल देंगे। देख सकते हो कितना ज्यादा इधर से पानी निकल रहा है। तो फाइनली गाइस हम निकल चुके हैं यहाँ से, यार ट्रिप का मजा मतलब गीले हो रहे हैं। आप नहीं रुकते जी, आप नहीं रुकेंगे, आप बिल्कुल नहीं रुकेंगे। अभी बारिश रुक चुकी है, देख सकते हो धूप कितनी ज्यादा आ गई है। अभी हम यहाँ पे रुके थे, बारिश रुक चुकी है, ऐसे एक कोरोना वॉरियर बने हुए हम, तो लोग भी सोचेंगे क्या कर रहे हैं ये। तो मैंने बोला बारिश रुकी है उतार लेते हैं, अभी ये सूख गया हुआ है। ऐसे नगाली साहब अभी ज्यादा नहीं, कोई 5 किलोमीटर दूर है। हमारी बाइक में ना 3 पॉइंट पेट्रोल था, तो हम सोच रहे थे हमने बड़ी दूर जाना अभी, तो पेट्रोल डलवाने लगे हैं यहाँ से। अभी गन्ने का जूस जहाँ पे मिला था नगाली साहब, देख सकते हो आप, वो सामने है, ऊपर से रोड जाएगी अभी, तो अभी रुकते हैं यहाँ पे, गन्ने का जूस पीते हैं, फिर जाते हैं हम वहाँ पे। सकते हो नगाली साहब का पूरा ये, नगाली साहब पहुंच चुके हैं, यहाँ से फ्रंट एंट्री है, तो पीछे वाली साइड तो हम देखते हैं जाएंगे, तो अभी पहले मथा मुथा टेकते हैं यहाँ पे। निकलते हैं अब यहाँ से, हमने माथा टेक लिया, हमने जाना है दरगाह में, तो हम लेट हो जाएंगे थोड़ा, तो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। यहाँ के देख लो आप, थोड़ा सा ये झंडा लगाया हुआ है, ये देख लो कितनी ज़्यादा हाइट पे, तो दिख रहा भी नहीं है आधे, मतलब ये बड़ा हाइट पे है, दिखेगा नहीं आपको। तो निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं आपको सीधा दरगाह के पास। हेलमेट लगाने लगा था, ये देखो हेलमेट में बताता हूँ आपको, पूरा खोखला इसका बाहर निकल, तो क्या सेफ्टी है कोई सेफ्टी एम ही छुक गया है लाया गया है। अब इसके साथ मैं किधर जाऊँ, ये सिर्फ पुलिस वालों से बचने के लिए, इसको उतारो तो ये लगाओ, किधर जाऊँ मैं इसको लेके यार, हेलमेट भी नहीं है चाची जी मेरे पास। लग रहा है ये मोटरसाइकिल है, ये ऐसे लग रहा है ट्रक लेके जा रहे हैं हम।
पूरा मतलब छाते पीछे लगाए हुए हैं, हेलमेटें पीछे लगाई हुई हैं, रेनकोट साथ में लगाए हुए हैं, दो बंदे ही बैठे हुए हैं। वाह मेरे डेवल, वाह चुम्मेश्वर, वाह वाह डेवल, तू तो बड़ी दूर तक पहुंच सकता है। यार मैं कितना टाइम वेस्ट करता हूँ, कितनी बातें करता हूँ, अब निकलते हैं ना यहाँ से, है ना, जल्दी निकलते हैं, अभी टाइम वेस्ट करता हूँ। हम दरगाह के पास पहुंच चुके थे, दरगाह देख सकते हो वो सामने पीछे दिख रही है, बस स्टैंड आ गया यहाँ का। तो जगह का नाम है यहाँ का इस्लामाबाद बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे दरगाह का नाम है शैन बाबा ज़ियारत पड़ी है ये। तो अभी ये रोड जा रही है ऊपर, जाते हैं वहाँ से घूम के, तो वहाँ जाते हैं, वहाँ दिखाते हैं आपको पूरी दरगाह। तो गाइज़ हम पहुंच चुके हैं ज़ियारत के पास। तो अभी ना 2 मिनट ज़ियारत के सामने बैठा हुआ था मैं, तो यार मैंने बोला यहाँ पे 2 मिनट के लिए बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पे बार बार थोड़ी आना है हमने। हाँ मैं तीसरी बार आया हूँ और कावल यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया। आप देख सकते हो ये सामने बैठा हुआ हूँ मैं, ये सामने आप ज़ियारत देख लो, ये पूरी ज़ियारत मार्बल की बनी हुई है और इसके साथ मस्जिद भी है इनकी, और साथ में आप देख सकते हो वो सामने जो पहाड़ी है ना पीछे वाली साइड बॉर्डर है, तो यहाँ पर आर्मी एरिया भी था। बॉर्डर के साथ ये ज़ियारत पड़ती है, ये नगाली साहब से लिंक रोड ऊपर आता है, वो सामने आपको नगाली साहब दिख रहा होगा, वहाँ से लिंक रोड आता है ये कम से कम यहाँ वहाँ से कोई 10 किलोमीटर होगा, 10-12 किलोमीटर हाइट बड़ी ज़्यादा है, तो हाइट की वजह से इतनी प्यारी जगह पे ना ये इतना प्यारा। यार अभी यहाँ पे भी जाएंगे हम, माथा मुथा टेकेंगे यहाँ पे, आपको भी दिखाएंगे, फिर यहाँ से निकलते हैं, फिर हमने आज ना बूढ़े अमरनाथ भी जाना है, तो बूढ़े अमरनाथ से हो के फिर डन अपने एपिसोड को हम क्लोज करेंगे। आप भी इंजॉय कर रहे होंगे, तो जिसने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार जाके अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और होपफुली आप इंजॉय कर रहे होंगे। यार कितना मतलब कितना कंटेंट मैंने बोला था ना कि भाई आपका ऐसी ऐसी जगह पे जाएगा जहाँ पे कोई नहीं गया होगा। अभी ना हम पीछे से आ रहे थे, वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हुई थी, लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से ना वहाँ पे वो पूरी रोड गिर चुकी थी, पूरी रोड गिर चुकी थी, तो मैं जल्दी जल्दी आया वहाँ से, और मैंने बाइक निकाली तो थी पर बड़ी गाड़ियाँ नहीं निकल सकती वहाँ पे। अभी भी जाते समय मेरे को लगता है वो बड़ी गाड़ियाँ जितनी भी होंगी ना वो सारी वहाँ पे रुकी होंगी। बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है, अभी धूप भी इतनी ज़्यादा हो गई है कि सीट हमारी फिर से 2 मिनट में गर्म हो रही है। क्या बताऊँ, जाना तो बड़ी जगह है पर अभी मैंने वही बोला ना कि पहले मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, जब जाएंगे गाइस तब पूरा बता देंगे। अभी के लिए मैंने बताया कि हम 3 जगह जाएंगे, एक जगह तो मैं होके आ गया हूँ, दूसरी जगह आप मेरे सामने देख सकते हो, और तीसरी जगह अभी मैंने जाना है। मैं तो इंजॉय कर रहा हूँ पर मैं अपने साथ अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाना चाहता हूँ, तो होपफुली आप तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे, है ना। तो ब्लॉग्स को पूरा देखना, वॉच पूरा करना, अगर किसी ने स्किप भी किया ना तो भाई वो मज़े नहीं कर पाएगा, वो मेरे ब्लॉग्स को इंजॉय नहीं कर पाएगा। तो अगर ब्लॉग्स पूरे देखोगे तो इंजॉय करोगे यार, तो बने रहना चैनल के साथ यार, एपिसोड आपके लिए बहुत मस्त मस्त एपिसोड आने वाले हैं। देखते हो आप कितनी ज़्यादा नाखें लगी हुई हैं, मैं जूम करके बताता हूँ आपको। मन तो मेरा बड़ा कर रहा था कि मैं ये खाऊं पर यार लोगों से डर लगता है, ये लोग ना ये इसी चीज़ को देख रहे हैं, कोई उतारेगा तो उसको पकड़ेंगे, ये अनजान जगह पे आया आपका भाई मार खाता हुआ अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी हम ना नीचे देखे, एक हमने देखा था नीचे पेड़ लगा हुआ था रोड वाली साइड पे, उतारेंगे जरूर, करेंगे चोरी यार, आज एक चोरी तो बनती है यार। हम जा रहे हैं ज़ियारत में, मत्था मुत्था टेकते हैं यहाँ पे। अगर किसी को ना यहाँ पे आना हुआ ना तो मेरे ब्लॉग्स देख के ये देख लेना कि ये जगह कितनी प्यारी है, पक्का यहाँ पे विजिट करें यार, पक्का आए यहाँ पे, बड़ी प्यारी जगह, बहुत प्यारी जगह है यहाँ पे। तेरे लिए ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब तू तो फर्स्ट टाइम आया ना, तो मैं तो यहाँ पे फिर 2-3 बार आया हूँ, तू बता दे यार ये कौन कितनी प्यारी जगह। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि मेरा फर्स्ट टाइम था यहाँ पे, मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। जैसे नगाली साहब गया वहाँ से ऊपर मैंने ये दरगाह देखी, तो मन में एक इच्छा जाग उठी कि यहाँ पे जाना है, जरूर जाना। ये दरगाह का नाम बता देता हूँ मैं आपको, शैन बाबा ज़ियारत, जो कि ये मतलब नगाली साहब के ऑपोजिट सामने से ही लिंक आता ऊपर, वहाँ से दिख जाएगा, किसी को भी पूछोगे ना आप कि शैन बाबा दरगाह कहाँ पे है तो मिल जाएगी, तो यहाँ पे पक्का आए यार, बहुत प्यारी जगह है। जी आके तो अच्छा फील हुआ गाइस, आप भी जरूर यहाँ पे आना, आपको भी अच्छा फील होगा। पहले तो आपको आना पड़ेगा पुंछ, फिर आना पड़ेगा आपको नगाली साहब, वहाँ पे किसी को भी पूछोगे सहन बाबा की दरगाह किधर है वो आपको बता देंगे, वैसे तो वहाँ से सामने दिखती है, बड़ी प्यारी जगह वहाँ से सामने दिखती है। ओ,
ये जो पत्थर पड़ा हुआ है ना, ये उठाते हैं, इन्होंने रखा हुआ है उठाने के लिए। अगर कोई उठा देगा ना तो नाम उसके लिए यही है, उसके अंदर बड़ा जोर होगा। अच्छा, हमको सिखा दिया है तो मैं भी कोशिश करता हूँ। मैंने कोशिश कर ली है, मैंने तो उठा नहीं पाया, अब तेरी बारी। सचक्कर होगा इस मेरा बेटा, बेस्ती है, बेस्ती पता मेरे को, गजब बेस्ती होगा भाई, अभी जोर में नहीं रहा होगा। तो फिर भी ट्राई करेंगे भाई, ये रियाज ने रखा हुआ इधर। तो अब तू उठाएगा शांति। अपरा ये बड़ा पारा है, गजब बेइज्जती है। ओ गाइस, सो गाइस देख सकते हैं अभी ये यार, ये तो मेरे से हिलता। ओ नहीं, अब कावल करेगा ट्राई। कर कावल ट्राई, कर कम से कम। ये सो के जी प्लस है। वाह वाह, कावल ने थोड़ा सा हिलाया कावल ने। बड़ा भारी है यार, बहुत भारी है ये। एक बार कावल फिर से ट्राई कर रहा है। कावल उठा, थोड़ा हिलाया इसने, पर मेरे से थोड़ा भी नहीं हिलता। पत्थर तो हमसे उठा नहीं, पर जो उठाता होगा यार वो हिलाया मैं थोड़ा, कावल ने हिलाया, पता नहीं मेरे से हिला कि नहीं हिला, ये मेरे को कोई पता नहीं है। पर जो उठाता होगा यार, कोई ना कोई तो उठाता ही होगा ना। यहाँ बहुत ज्यादा वेट था यार, देखने में ऐसे छोटा लग रहा है पर बहुत ज्यादा हैवी था। मैंने आपको बोला था एक चोरी करेंगे हम, तो कावल जा रहा है नाक तोड़ने के लिए। कावल दो ही तोड़, बड़ी बड़ी तोड़ना, बड़ी बड़ी। हमें लगी हुई थी भूख, चार लाई है, चार नाके हमने, दो ये दो है। अभी धोएंगे वो पार, सामने धोते हैं इसको, फिर खाएंगे। मजा तो आ रहा। अभी ये ना पक रही है मीठी है, पर ज्यादा मीठी नहीं है, थोड़ी थोड़ी मीठी है। गाइस देख सकते हो, ये अभी भी लैंडस्लाइडिंग हो रही है। ये मैंने यही बताया था आपको कि ये पूरा ना रोड में आ गया हुआ था, तो अभी देखो यार हो गया पंचर। भैया पंचर हो गया। अमरनाथ पहुंच चुके हैं, पहले बाइक को लगाते हैं यहाँ पे, फिर देन अंदर जाते हैं हम। अब जाते हैं यहाँ पे भी मत्था मुत्था टेकते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। यहाँ का थोड़ा ना मैं आपको नदी वगैरह भी दिखाऊंगा, जो जो इधर है ना मैं वो दिखाऊंगा। अभी हम थोड़ा मत्था टेकते हैं, उसके बाद हम पीछे वाली साइड जाएंगे, फिर पीछे का विजुअल आपको पूरा दिखाऊंगा, यहाँ पूरा घूमेंगे, फिर बताते हैं आपको। तो गाइज आपको ये आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा होगा, तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। अभी देखते हैं कि पुंछ जाना है पहले या सुरनकोट जाना है। मेरे को अभी भी पता है कि मेरी वीडियोस को ना बहुत बहुत सारे बंदे देखते हैं, तो यार अगर देखते हो तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है ताकि सब्सक्राइब भी कर दो यार। अभी भी किसी ने मतलब वीडियो कोई देख के ना फिर भी सब्सक्राइब नहीं करता तो यार बुरा लगता है, दिल पे लगती है बात। तो प्लीज ऐसा मत करो, अगर वीडियो को देखते हो तो यार सब्सक्राइब भी कर दो यार। गाइज अभी आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ यार, अभी ना मेरे को आई घर से कॉल, तो घर से ना यार कॉल आई, कॉल आने के बाद ना मेरे को मम्मा बता रहे हैं कि मेरी तबीयत नहीं है ठीक। तो अभी मम्मा मतलब ऐसे बोल रहे थे कि यार मेरा ना यहाँ रुकने का मन नहीं करेगा अब, तो मैं अब वापस घर को जा रहा हूँ, पहले मम्मा को चेक करवाऊँगा, पहले देखता हूँ मम्मा की तबीयत अभी ठीक नहीं है। गाइज मेरा भी वैसे जाने का मन नहीं है, देन आपको पता है यार मम्मा सबसे पहले, तो मम्मा के लिए मैं ये ट्रिप को क्लोज कर रहा हूँ। पहले मम्मा को चेक करवाएंगे, चेक करवाने के बाद हम देखते हैं मम्मा अगर ठीक होंगे
तो उसके बाद इस ट्रिप को मैं कंटिन्यू रखूंगा। तो इस ट्रिप को मैं यहाँ क्लोज करके जा रहा हूँ। तो आई एम सॉरी गाइस, मम्मा के लिए ये सब मेरे को करना पड़ रहा। अभी तो जा रहा था, अभी रात को घर तो पहुंच नहीं पाऊंगा। रात को रुकूंगा अपने फ्रेंड के पास, तो फ्रेंड के पास रुकूंगा, तो सुबह सुबह मैं वहां से निकल जाऊंगा। कल मैं अपनी मम्मा को लेके जम्मू चले जाऊंगा। कल चेक करवाते हैं मम्मा को, किसी डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के पास चेक करवाएंगे, देखते हैं डॉक्टर बोलते क्या। पर पहले मम्मा को चेक करवाते हैं यार। मम्मा अभी मम्मा की तबीयत अब नहीं है ठीक। तो अब मैं यहाँ क्लोज करता हूँ यार, दिल नहीं था कर रहा, पर मम्मा मेरे को ना मम्मा की अब जब मेरे को कोई बता देता ना कि मम्मा की तबीयत नहीं है ठीक, तो मेरे से रहा नहीं जाता, तो फिर मैं नहीं आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा गाइस। तो आई एम सॉरी उसके लिए, पर मैं भी ये सोच के नहीं आया था। पर अब क्या पता बंदे के साथ क्या होता है क्या नहीं होता। तो मेरे साथ अभी जो हो रहा है आप फील नहीं कर सकते, वो मैं ही फील कर सकता हूँ। मेरे को जाना ही पड़ेगा।